जय महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जे नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में वैदिक बाबा को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, जे नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप दोनों की अपने अपने जीवन में जो भी सोच होती है, जो भी मानसिकता होती है, वो एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में अपने अपने विचारों को बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में जो बंधन बनता है उसमें आपसी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। वैसे इसके अलावा यदि जे नाम वालों की बात करें तो जे नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि एम नाम वालों की बात करें तो एम नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वार्थी, बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने स्वार्थ को, अपने मतलब को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं एवं अपने स्वार्थ के सामने में किसी और इंसान की जरूरतों को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मित्रों, जे नाम वाले जातक एवं एम नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में वैदिक बाबा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य कर दे एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दे। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।